न्यू ड्रैग हेडशॉट ट्रिक, जिससे आपको सिर्फ रेड नंबर से किल मिलने वाला है। लेकिन एक सेकंड यार, क्या आपको ड्रैग करना आता है? भाई यार क्या बता रहा है, ड्रैग करना सबसे आसान होता है भाई। फॉरवर्ड रन को प्रेस करना है और फिर ऊपर की ओर खींचना है। मतलब यार हमें तो ऐसा ही लगता था भाई। आपको लगता था ऐसे नहीं करते, अगर ऐसे करोगे तो आपका एम एनिमी के बॉडी में ही चिपक जाएगा, एनिमी के हेड तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको सबसे ईजी ट्रिक बताऊंगा ड्रैग करने का, और जिसको यूज करके आप लोग सिर्फ रेड नंबर से किल ले सकते हो। और भाई आपने यूट्यूब में ड्रैग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो सबसे यूनिक होने वाला है। तो यार वीडियो पूरा एंड तक देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो में ऐसा क्या है जो सबसे यूनिक है। और देखो कुछ दिन पहले ही मैंने हेडशॉट सेटिंग के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो बना के रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। फिलहाल के लिए चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। तो गाइस देखो, अगर आपको परफेक्टली ड्रैग मारना है तो आपको ये तीन पॉइंट याद में रखना है। पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है रिकॉइल कंट्रोल। भाई ड्रैग के गन में रिकॉइल कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका हेडशॉट लगने वाला नहीं है। अब देखो, अगर आप लोग कोई भी ड्रैग के गन यूज कर रहे हो तो वहां पे बेसिकली आपको 5 से 6 बुलेट एक साथ फायर करना है, उसके बाद आपको फायर करना बंद कर देना है और फिर से आपको वही सेम प्रोसेस करना है। लेकिन कुछ बंदे यहाँ पे क्या करते हैं कि फायर बटन को प्रेस करके रख देते हैं, वो लोग गन का रिकॉइल नहीं समझते। तो क्या होता है कि ऐसे वक्त पे अगर आपका एम एनिमी के हेड तक भी पहुंच जाता है तो वहां पे आपका बुलेट्स एनिमी के हेड के आसपास से निकल जाता है, रिकॉइल कर जाता है आपका गन। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हमेशा 5 से 7 बुलेट एक साथ फायर करना है, तभी आप लोग रेड नंबर से किल ले सकते हो। प्यारी समझ गई। कोई बात करते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है फायर पावर। भाई अगर आप लोग एक बार ये चीज सीख गए तो आप लोग किसी भी ड्रैग के गन में हेडशॉट मारना सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फायर पावर होता क्या है। देखो फायर बटन को प्रेस करके हम लोग हल्का सा भी ड्रैग कर सकते और यहाँ पे हम लोग प्रेशर देके भी ड्रैग कर सकते। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप में देख सकते हो, यहाँ पे मैं फायर बटन को प्रेस करके हल्का सा ड्रैग कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा एम एनिमी के हेड तक पहुँच नहीं पा रहा है। लेकिन आप लोग ये दूसरे वाले वीडियो क्लिप में देखो, यहाँ पे मैं फायर बटन को दबा के प्रेस कर रहा हूँ, मतलब फायर बटन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं प्रेशर देके ऊपर की ओर खींच के लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मेरा एम देख सकते हो, मेरा एम बहुत ही इजीली एनिमी के हेड तक पहुँच जा रहा है। तो भाई यही चीज़ आपको समझना है कि अगर आप लोग एम को वाइट करके ड्रैग मार रहे हो तो वहाँ पे आप लोग हल्का सा प्रेशर देके ड्रैग करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एम को एनिमी के बॉडी में रेड कर लिए हो तो वहाँ पे आपको जितना हो सके उतना प्रेशर देके फायर बटन को प्रेस करना है और फिर आपको एकदम खींच के ऊपर की ओर लेके जाना है, जिससे आपका एम एनिमी के बॉडी में ना चिपके बहुत ही ईजिली हेड में पहुँच जाए। तो भाई अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए तो समझ लो किसी भी ड्रैग के गन में आप लोग हेडशॉट मारना सीख गए। अभी बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है स्टील स्टैंड और यूज जॉयस्टिक। तो ये क्या है, देखो ड्रैग के गन में जब भी आप लोग ड्रैग कर रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली आपको बिल्कुल स्टील खड़े होकर ड्रैग करना पड़ता है, ये चीज़ आपको पता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप लोग स्टील खड़े होकर ड्रैग करोगे तो वहाँ पे आपका एम कम रिकॉयल होगा और आप लोग आसानी से हेडशॉट मार सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि आपका एम एनिमी के बॉडी में एकदम चिपक चुका है तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग जॉयस्टिक का यूज कर सकते हो। हाँ भाई, जॉयस्टिक का यूज कर सकते हो। कैसे, जब भी आप लोगों को लगे कि आपका एम एनिमी के बॉडी में फंस चुका है तो वहां पे आप लोग ड्रैग करना चालू करें और उसी मोमेंट पे जैसे आप लोग ड्रैग कर रहे हो उसी मोमेंट पे आपको जॉयस्टिक बटन को बिल्कुल पीछे की तरफ खींच के लाना है। तो इससे आपका एम इजिली एनिमी के हेड तक पहुंच जाएगा जो एम आपका फंस गया था। तो आप लोग ऐसे करके ड्रैग कर सकते हो उस टाइम पे जहां पे आपको लगे कि आपका एम एकदम एनिमी के बॉडी में लॉक हो चुका है, आपका एम कभी भी एनिमी हेड तक नहीं पहुंचेगा, तो उस सिचुएशन पे आप लोग जॉयस्टिक का यूज कर सकते हो ऐसे। लेकिन यार ये चीज आपको हमेशा यूज नहीं करना है, जब आपका एम फंस जाए तभी आपको यूज करना है, और अदर्स टाइम आप लोग कोशिश करें स्टील खड़े होके ड्रैग करने का, जिससे आपका एम रिकॉइल ना हो और आपको हेडशॉट आसानी से मिल जाए। तो भाई ये तीन पॉइंट सिर्फ आप लोग याद कर लो, एक बार ट्रेनिंग मोड में जाओ, जाके प्रैक्टिस कर लो, फिर गेम में देखो भाई तबाही मचा के रख दोगे। तो यार वीडियो इतना ही था, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो। देखो अगर अच्छा लगा
ठीक है ना। अगर नहीं लगा तो भाई डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस मंथ में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आपका ही काम में लगने वाला है, तो कर लो। आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कर लो।